सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे हो गए। मैं भी अच्छा हूँ। और भाई, काफी दिनों बाद मेरी शक्ल आपको देखने को मिल रही होगी। क्यों व्लॉग नहीं डाला भाई? फेमस इतना हो गया हूँ, क्या करूँ इसे फेमस इतना हो गया कि भाई क्या करूँ, व्लॉग ही नहीं डाल पाया। सारे आ रहे हैं यार, बंदे मिलने, फोटो खिंचवाने, वीडियो बनाने, तो बस टाइम ही नहीं मिल पाया यार। बट मैंने कहा नहीं यार, और फेमस होना है तो इसलिए आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो अभी थोड़े दिन पहले हम गए थे इस्कॉन टेम्पल, विच इज लोकेटेड इन पंजाबी बाग। तो अभी वो वाली क्लिप देखो आप, उसके बाद ये वाला हम व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। ये इसकी कुछ बाहर से लोकेशन, तो खुला डुल्ला एरिया यार। तो भाई फाइनली घर आ चुके हैं। मंदिर आपने देखा, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। और इतनी गर्मी है ना भाई, इतनी धूप हो रही है, तो मैंने सबके लिए मंगवा ली लस्सी। उसके पास भी है और मेरे पास भी है। अब हम सबको लस्सी का प्रसाद देते हैं, प्रसाद ही मान लो भाई। The next day. भाई मैं आया था यहाँ पे पार्क में पक्षियों को दाना डालने, उधर पीछे। अब दाना तो सारा भाई खराब हो गया, पानी में मिल गया, बारिश आ गई थी तेज। और भाई देखो मैं किसके साथ खड़ा हूँ, यहाँ पे है दो सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल गायें, एक येरी एक वैसे बाहर भी खड़ी है तो भाई मैं तो शेड के नीचे खड़ा हो गया। पहले तो मेरे को इनसे डर भी लग रहा था, मैंने कहा भाई कहीं पेल पाल ना दे बट अब हम दोस्त बन चुके हैं। ये देखो आराम से खा रही है, वो आराम से खड़ी है। पता नहीं ये वाली गाय कहाँ से वहाँ दूर से भागती भाई, क्योंकि यार नीला कौन ही होना चाहता ना। भक्ति भक्ति आई फिर मैं उससे डर गया। फिर अब हम तीनों दोस्त बन चुके हैं, चारों। वो भी देखो बाहर भी शांति से खड़ी है। इतना मैंने चारा डाला था ना भाई, वहाँ पर सब खराब हो गया, सब पानी वानी गिर गया बेचारे। वैसे सूख जाएगा तो बाद में खा ही लेंगे पक्षी। ये भी देखो यहाँ खड़े हैं, वो तो शुक्र है अब शेड है तो भाई मैं भी खड़ा हो गया। और वो खड़ी मेरी बाइक वहाँ पे, और ये देख रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ भाई। कितना सही लग रहा है ना पार्क, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन, साफ साफ चमकता हुआ। ऐसा होता ना कि थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, आप निकल के अपने घर पहुंच सकते हो। भाई ऐसी बारिश नहीं थी, एकदम से बहुत तेज हुई, तो मैंने कहा भाई मैं यहाँ पर रुक ही जाता हूँ। तो भाई बस मैं यहाँ पर रुक गया, खड़ा हो गया, और अब बस बारिश धीरे हो रही है, अब प्रॉपर थोड़ा रुके तो मैं जाऊँ भाई। भाई वहाँ से जब मैं आया था भाई, इतना भीग गया था ना, मतलब इतना कि पूरा ही भीग गया था। और बारिश की वजह से देखो कपड़े हमारे घर में ही सूख रहे हैं भाई, क्या कर सकते हैं, बारिश इतनी हो रही है बाहर। और भाई ये हमारी बहन ये हमारी छोटी बहन ताले। और कैसी बहन? बढ़िया। बाल बच्चे सब बढ़िया? सब बढ़िया। आप सुनाओ? बस फिर बढ़िया। ओके चलो निकलो सॉरी। घूमने के लिए कितने पैसे चाहिए बताओ? सुनो घूमने के लिए 1,000 रुपया। तेरी आँखों के दरिया का बिखरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तबाए आरज़ू करते। आज के लिए इतना ही। क्या बोलूं, मम्मी के फोन ही नहीं खत्म होते, इतने फोन क्यों करते हो आप? तो मेरा परिवार है तो मैं फोन करूंगी नहीं? मैं भी तो परिवार हूँ, मेरे को तो नहीं किया तू जब तेरा परिवार बन गया। कितने चाहिए घूमने के लिए? 1,000 हो जाएगा? कहाँ क्या क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? मथुरा वृंदावन जा रहे गुरु जी के आश्रम। आंसर लो, वीडियो में आया है बस। और तो नहीं चाहिए? नहीं। पक्का? पक्का? सूट के लिए कह रहे थे? सूट के कोई बात नहीं। ना ना लो यार, सूट के लिए। अरे 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 ऐश कर यार, लो पकड़ो सूट के लिए। अरे है सूट। अरे लो ना,
सिलाई सिलाई भी चाहिए। लो सिलाई भी ले लो। लो और पक्का खाने पीने के? खाने पीने का तो कोई बात नहीं। लो फिर और ले लो खाने के लिए। और पक्का खुश हो? कुछ कमी तो नहीं आएगी? और जी तो और बताओ। परमात्मा इतने खुशियां दे। ये देखो उधर नहीं देखना, इधर मेरे को बहन से बात करो। सॉरी। परमात्मा इतनी खुशियां दे कि जहाजों में घुमाए मेरा बच्चा। भाई वीडियो खत्म होते ही सब ले लूंगा मैं मम्मी से, ये बस दिखाने के लिए दे रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ भाई। तो भाई अभी हम थोड़े दिन, अरे भाई मम्मी ने तो मेरा खुलिया ही बगाड़ दिया। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो में भाई वही मैंने दिखाया है जो मैं करता हूँ, जो मैंने किया है, और बस ऐसे धीरे धीरे व्लॉग आते रहेंगे। और भाई एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, नेक्स्ट वीडियो जो आपको देखने को मिलेगी वो काफी कमाल होने वाली होगी, क्योंकि इट्स बीन लॉन्ग टाइम आई हैव नॉट बीन आउटसाइड, और हमारी लाइट में ना फ्लक्चुएशन हो रही है। जैसे ही फ्लक्चुएशन होती है ना भाई, इसका कलर चेंज हो जाता है। तो पीछे पीछे आपको डीजे इफेक्ट देखने को मिल ही रहा होगा, डीजे लाइट इफेक्ट। तो अगली वीडियो में भाई हम जाने वाले हैं आइस वर्ल्ड स्नो मस्ती, जो मेरे जाने से पहले पहले ग्रैंड वेनिस मॉल में है, जो ग्रैंड वेनिस मॉल में हम वहाँ जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने वाले हम। तो मतलब आज से पहले तो भाई कभी भी मैं माइनस टेम्परेचर में नहीं गया हूँ, पहाड़ों में वादियों में कहीं भी नहीं गया हूँ। मेरे ख्याल से 10-12 टेम्परेचर होगा जो मिनिमम और मैक्सिमम कम मैंने देखा होगा बोल सकते हैं। तो वहाँ पे होने वाला -12। तो भाई देखते हैं कल की वीडियो में, मतलब एक या दो दिन बाद आपको वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी। कल हम जाएंगे तो परसों आपको वीडियो मिल जाएगी। तो बस वीडियो को देखना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना और भाई शेयर वेयर कर दिया करो यार, ठीक है। तो अब से व्लॉग आते रहेंगे, ऐसा कि मैं हर बार भूलता हूँ। तो भाई आते ही रहेंगे, बस कमेंट किया करो यार। कमेंट नहीं आता तो फिर मेरे को लगता है कोई देख ही नहीं रहा है। व्यूज पता थोड़ी लगता किसने देखा किसने नहीं देखा। कमेंट किया करो भाई, कमेंट आएंगे तो वीडियो बनेगी। मजाक कर रहा हूँ, वीडियो बनती रहेगी, पर कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। बाय।